हरि हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूप गाई है। तिन को स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जारी है। धन्य धन दिन ही से काज सब आज भरे कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवंदर स्वामी का चिंतन अशुचिता के संदर्भ में चल रहा था, जो चर्चा हमने की है आपके बीच में थोड़ी बहुत, कि शरीर के संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु स्वयमेव ही अपवित्र हो जाती है, क्योंकि संगति का असर आए बिना नहीं। जो जिसकी संगति में रहे वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। और ऐसा लगता है कि शायद यही कारण है कि हमारे जो जड़ के साथ संगति के परिणाम हैं वो हमारी बुद्धि को भी जड़ जैसी कर देते हैं। बुद्धि भी जड़ जैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जड़ जड़ के साथ में संपर्क है ना। ऐसे ही अशुचि पदार्थों का संपर्क होने से जगत के पदार्थ अशुचि हो जाते हैं। ऐसी अशुचिता यदि सर्वाधिक कहीं दिखाई देती है तो वो कहीं और नहीं, इस तन में ही दिखाई देती है। इसलिए यह तन अत्यंत अपवित्र है, इस तन से विरक्त ही होना चाहिए। ये लाइनें हमने पढ़ी थी कि भाई इस शरीर से विरक्त हो जाओ, इस शरीर के प्रति अपनापन राग मोह ये अटकाने वाला है। देह की कीमत में आत्मा का जो बहुमूल्य स्वरूप है वो धूल धूमिल हो रहा है, छिप जाता है, ओझल हो रहा है इस शरीर के चक्कर में। इसलिए दृष्टि शरीर से हटे, उसके लिए जरूरी है कि शरीर का चिंतन करे। अब दो तरह की स्थितियां होती है, एक तो है शरीर सुंदर हो और दूसरा है शरीर बदसूरत हो। दो ही तो स्थिति हो सकती है। यदि शरीर सुंदर होता है तो भी मैं कितना सुंदर उसमें अटका रहता है, तो मेंटेन करने में लगा रहता है। और यदि बदसूरत हो तो सुंदर कैसे हो जाए इसमें लगा रहता है। माने दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में ये जीव सहज नहीं रह पाता और अपने आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता। इसलिए शरीर के प्रति तन्मयता टूटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं कि तुम शरीर के वास्तविक स्वरूप के बारे में गहराई से विचार करो, तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई ये अपनापन करने योग्य नहीं है। देखिए 51 नंबर के श्लोक से बात को आगे बढ़ाते हैं। 533 नंबर पेज पर नीचे दिया है 51 नंबर श्लोक। अस्पृष्टं दृष्टमंगर्यैः सामर्थ्यात् कर्म शिल्पिनः रम्यमुहे किमन्यस्य मल्मांसास्ते मज्जत। ओहो क्या कह रहे हैं भाई साहब। निश्चय से कर्म रूपी कारीगर की चतुराई से, वाह, शरीर का अंतरंग स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ये कारीगर की चतुराई है। अंदर जो ईंटों के बीच में गैप रह गया था और जो कमजोरी रह गई थी उसने ऊपर के प्लास्टर से उसको सब छिपा दिया। कहते क्या उपमाएं देते हैं आचार्य देव, गजब करते हैं भाई। ऐसा लगता है चिंतन कितना गजब का है, क्या सोचते हैं।
कर्म रूपी कारीगर की चतुराई से शरीर का अंतरंग स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए सुंदर मालूम होता है। अरे कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, अरे सुंदर है लेकिन कमजोर है। सुंदर बाहर से ये मकान दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर में जो कमजोरी है तुम्हें इसका पता नहीं है, थोड़ा सा तूफान आते ही डह जाएगा, इतना कमजोर है। तो बाहर की सुंदरता पर ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, परंतु विचार करने पर इसमें मल, मांस, हड्डी और मज्जा के सिवाय और क्या है, अर्थात शरीर इन्हीं अपवित्र वस्तुओं से बना है। ओ, क्या कह रहे हैं भाई साहब, सोच सोच करके विचार विकल्प आते हैं। जिस देह के पीछे पड़ा है, जिस देह के पीछे पड़कर तो अपने आत्मस्वरूप को भूल गया है, जिस देह के तन्मयता से आज तक अनंत दुख पाए हैं, उस देह के वास्तविक स्वरूप का विचार नहीं कर पा रहा है। हड्डी खून मांस मज्जा से बना हुआ यह शरीर, दौलत राम जी ने जो छेड़ाला में लाइन लिखी है वो इसी तरह की तो लाइन लिखी है, फल रुधिर राज मल तैली की कस बसा दीते मैली, और नव द्वार भये गिनकारी अस देह करे कि मयारी। जिससे तेरी दोस्ती है, जिसको तू अपना दोस्त मान करके बैठा है, ये मेरा दोस्त है, अरे शरीर ये तो मैं ही हूं, सर्वस्व मान करके बैठा है, ये कह रहे हैं तू इस देह के वास्तविक स्वरूप को एक बार अंदर से देख ले। अरे ये फोटो वो तो छोड़ो, अंदर की चीज बाहर निकलेगी, एक्सरे की फोटो कोई नहीं लगाता। बोलो ये जो ऊपर से दिख रहा है ना, इसकी फोटो तो सजा करके लगाता है अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में लगाता है, और जो उसने डॉक्टर ने खींचा पूरा एक्सरे निकाला, बोले साहब ये क्या है, बोले तुम्हारा अंदर का फोटो है। ऊपर की फोटो तो 500 रुपए खिंचाती है और वो खिंचता 500 रुपए। अब वो जो अंदर की फोटो है उसको फ्रेम करा करके लगाओ सामने और फिर आंखों से देखो जरा, ये है रूप तेरा, बोल कितना सुंदर दिखता है। अस्पताल में दिखाते हैं, फिर उसे उसमें बंद करके रख लेता है लिफाफे में, दोबारा खोल नहीं देखता, उसे दोबारा खोल करके नहीं देखता, अब वो देखने लायक नहीं है। हड्डी खून मांस का ढांचा है अंदर में, और ये देह का वियोग हो जाने पर, माने मरण हो जाने पर, कुछ काल यदि ये पड़ा रहे तो वो ढांचा कंकाल के रूप में निकल कर सामने आता है। एक्सरे करना तो ये एक्सरे कर रहे हैं यहाँ पर, ये दिखा रहे हैं। अब ये कारीगरी इतनी जबरदस्त है, जैसे आजकल का जमाना है ना, पैकिंग का जमाना, सुंदरता का जमाना, क्या सुंदरता के इस जमाने में ड्यूरेबिलिटी की आप बात ना करें, फैशन के युग में गारंटी की बात ना करें, गारंटी की चर्चा ना करें। सुंदर दिख रही है, सुंदर दिख रही है, और क्या सुंदर देखो आप, अरे ये बाहरी सुंदरता है, अंदर में वो चीज में दम कितना है, कुछ दम नहीं है। जो चीजें दमदार होती हैं वो चीजें सुंदर नहीं होती, और जो सुंदर होती है वे दमदार नहीं होती। ये जगत की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं, आत्मा ऐसा है जो अत्यंत सुंदर भी है और दमदार भी है, शाश्वत भी है, वो वजनदार भी है, वो ध्रुव तत्व जो अंदर में बैठा हुआ है इस देह देवालय में, देह रूपी जिन मंदिर में, तन मंदिर, जिन मंदिर में श्री जिन राज और तन मंदिर में चेतन राज, क्या क्या भजन की पंक्तियां हैं, जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज, और तन चेतन को भिन्न पहचान,
जीवन सफल हुआ है आज। एक भगवान वहां है और एक भगवान यहाँ है, ये अंदर भी भगवान है, अंदर भी परमात्मा है। ये परमात्मा कैसे है? अंदर जो परमात्मा है, ये जो परमात्मा स्वरूप है, उस परमात्मा स्वरूप का अवलंबन करने से बाहर में परमात्मा अवस्था प्रकट होती है। लेकिन ऐसा परमात्मा होते हुए भी तू शरीर के प्रति अपनापन करके मानो दरिद्र और भिखारी बन के घूम रहा हो, भिखारियों जैसी हालत हो रही है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या कह दिया? निश्चय से मन सच्चाई है। ये क्या सच्चाई है? कर्म रूपी कारीगर। ये कौन सा कारीगर है भाई साहब? इस कारीगर का नाम क्या है? कर्म रूपी कारीगर का नाम क्या है? नाम कर्म। आठ कर्म है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। उनमें द्रव्य कर्म आठ है, ज्ञानावरणी आदि। उन आठ में से एक कर्म का नाम नाम है, नाम नामक कर्म है। वो नाम नामक कर्म की कारीगरी है जिससे ये शरीर संरचना बनी है। इस शरीर का निर्माता, इस शरीर को बनाने वाला, इस शरीर की संरचना करने वाला वो नाम कर्म के उदय का निमित्त है। हड्डियां कैसी होगी, खून मांस मज्जा कैसी होगी, डायबिटीज कितनी होगी, उसमें ब्लड में शुगर कितनी है और उनकी संरचना कितने समय तक रहेगी, कोलेस्ट्रॉल कितना होगा, ये सब शरीर का ही काम है। पूरा कॉन्ट्रैक्टर है वो, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है भाई साहब। अभी मैंने वहां भी चर्चा की कर्म सिद्धांत की, युवा शिविर में तारंगा में। कल आपने नए साल का नहीं सुना क्या? नए साल का 2000 से ज्यादा लोग सुन चुके हैं, अभी तो 15 घंटे भी नहीं हुए। तो वहां चर्चा की मैंने, मैंने कहा सुनो ये ऐसा कलाकार है कि ये जब रचना करता है, संरचना करता है, घूमट सार में इसके लिए चित्रकार का एग्जाम्पल दिया है, चित्रकार। और एक चित्रकार एक चित्र बना लेने पर दोबारा बनावे तो उसमें अंतर पड़े बिना न रहे, और ऐसे अंतर पड़ते हैं भाई साहब कि किसी दो व्यक्ति के उंगलियों के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। ऐसा इतना, इतनी यूनिक रचना है इस बॉडी की दीपेश जी कि दो व्यक्तियों के आंखों का रेटिना नहीं मिलता। बोलो, आपका मोबाइल यदि आपके फेस लॉक से खुलता है, आपकी आंखों से खुलता है, तो किसी दूसरे से नहीं खुल सकता है। वो पढ़ रही है वो से, इसका मतलब आपके आंखों का जो रेटिना है ये सबका अलग अलग है। ये कितना यूनिक है, ये हर रेखा अलग अलग है। ये अंगूठा लगाओ ना आप तो हर व्यक्ति का अंगूठा थंब अलग अलग है, तभी तो जो साइन नहीं करते हैं उनसे अंगूठा लगवा लेते हैं, फिंगरप्रिंट लगवा लेते हैं। सब जगह पर आधार कार्ड में आपकी उंगलियां ली है, आपके विदेशों में जाते समय, पासपोर्ट वगैरह बनते समय, कहीं दूसरे देश में एंट्री करते समय, सब जगह पर आपकी आंखें भी लेंगे। चश्मा उतरवा करके आंखें लेंगे आपकी, चश्मा उतारो सब, इसमें देखो, इस कैमरे में देखो आप, या उंगलियां लगाओ आप, ये ऐसा होता है। तो ये कैसा कारीगर है, ये नाम कर्म की संरचना है शरीर की संरचना। दो व्यक्तियों के बालों का कलर नहीं मिलता। पुलिस वाले में चोर कैसे पकड़े, डेड बॉडी में लेते हैं। बोलो ये क्या कह रहे हैं यहाँ? कर्म रूपी कारीगर की चतुराई से शरीर का अंतरंग स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जैसे अच्छे कलाकार हो ना, जैसे अच्छे इंटीरियर डिजाइनर हो तो आपके मकान की कमियों को ऊपर डिजाइनिंग में छिपा देते हैं, ऊपर ऊपर की डिजाइनिंग में। अब जो शरीर में जो रह गई अंदर की जो विकृतियां हैं, उन सब को ऊपर की पॉलिशिंग में नाम कर्म रूपी इसने छिपा लिया। और नाम कर्म ने तो छिपाया ही है, और बड़ा एक और मित्र है इनका जिनका नाम है वेदनी है, वो ऊपर के कपड़ों से और छिपा देता है। शरीर कैसा है, शरीर की जो विकृतियां हैं, उन सबको ये वेदनीय नाम का कर्म वस्त्र और आभूषणों से और छिपा देता है। ये साहब देखो, ये लटका लिया अपने कान में,
कान में, गले में, माथे पर, सब तरफ। तो इससे क्या है कि वो जो पीछे की जो बदसूरती थी वो सब लग गई इसके पीछे। इसीलिए उसकी कीमत है। कीमत इसीलिए देता है व्यक्ति उसकी। ये कह रहे हैं इसलिए सुंदर मालूम होता है क्योंकि अंदर की वो जो है स्थिति वो स्पष्ट मालूम नहीं पड़ती, परंतु विचार करने पर इनमें मल दिखता है। ओहो, विचार करने पर भीतर देखो तो मल 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 भरा हुआ है। मांस ही मांस है, हड्डियां हैं, मज्जाएं, ये चमड़ी है, अंदर चर्बी है भरी हुई, इसके सिवाय और क्या है बतलाओ? खून, मांस, मज्जा, चमड़ी, हड्डी, इनके अलावा, नसों के अलावा और क्या है अंदर? मज्जा चमड़ी है। अर्थात शरीर इन्हीं अपवित्र वस्तुओं से बना, सप्त धातुमय मलिन ये शरीर, उसकी संरचनाएं हैं। चलिए सरल अर्थ पढ़ के आगे बढ़ते हैं। वस्तु स्थिति को देखा जाए तो कर्म रूपी कारीगर की चतुराई से, नाम कर्मोदय से उत्पन्न यह शरीर वास्तविक रूप से न देखे जाने से सुंदर ही प्रतीत होता है। सुंदर प्रतीत हो रहा है। क्यों सुंदर प्रतीत हो रहा है? कि वास्तविकता से नहीं देखा जा रहा है, असलियत देख नहीं पाए। ये जो लगती है ना एग्जीबिशन जो लगती है जगह जगह, बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लगती है, साल में एक बार लगती है, देखो इंडिया जैसी ऐसी ऐसी जो बड़ी बड़ी, वहां क्या होते हैं भाई? यही होता है कि आपको ऊपर ऊपर से तो सुंदर दिखती है, फिर आप ले आओ फर्नीचर या कुछ तो अंदर में वो गत्ता है या अंदर में कुछ है, अंदर में क्या लगा रखा है उन्होंने मेटेरियल, वो दिखता नहीं है आपको। सस्ते में मिल जाती है वो चीज। अरे वो तो लाते हालत ही खराब होती है अंदर से। मेले में और इनमें ऐसे भीड़ भाड़, उनमें जो चीज मिलती है वो क्वालिटी चीज नहीं मिलती आपको, क्योंकि वो बाहरी सुंदरता में छिप जाती है। और ये यहाँ कह रहे हैं कि भाई विचार यदि तू करेगा तो तुझे वो अच्छी वस्तु दिखाई देगी अंदर की, विचार करेगा तू, और विचार नहीं करता है इसके लिए तुझे वो अच्छी वस्तु दिखाई नहीं देती है। ये सब मलिनताएं ही है। 52 नंबर का श्लोक देखे। दैवादंत स्वरूपम चेद्विहृदेहस्य किं परैः आस्तामनुभवेच्छेयमात्मन् को नाम पश्यति। हे आत्मन, और तो क्या, यदि देव योग से इस शरीर का भीतरी हिस्सा शरीर से बाहर निकल आए तो इसके सुखानुभव करने की इच्छा तो दूर ही रहे, कोई इसे देखेगा भी नहीं। हमने बात की थी ना शायद परसों, बात की थी आपने, मक्खी के पंख जितनी भी परत ऊपर से उतर जावे तो स्वयं देखना पसंद नहीं करे, किसी और को तो देखना पसंद करे ही नहीं। भाग्य से ऐसे के जब देव योग का मतलब भाग्य, और भाग्य किस चीज में है कि सच्चाई सामने आ गई, ये भाग्य है। अब भाग्य लोगों के समझ में नहीं आती है ये बात, ये भाग्यशालियों के समझ में आती है। ये शरीर की अशुचिता और अपवित्रता की बारीकी भी भाग्यशाली लोगों के समझ में आती है, अभाग्य लोगों के समझ में नहीं आती। हे आत्मन, और तो क्या कहें, और तो क्या, यदि देव योग से इस शरीर का भीतरी हिस्सा, कहीं फोड़े हो गए, फुंसी हो गई, कहीं कुछ हो गया, अंदर की चीज बाहर दिखने लगी, घाव हो गया, शरीर पर निशान पड़ गया, आप देखो कहीं से कट लग गया, छिल गया, हल्का सा हाथ घिस गया, रोड पर चलते समय आप गिरे, थोड़ा सा घिस गया, रगड़ लग गई, कुछ भी नहीं, स्क्रैच आया ऊपर से हल्का, अब अंदर का दिखने लगा, अब बोलो अब वो पसंद नहीं आता है हमारे, ये क्या हो गया? ये तो हाथ पर ही पसंद नहीं आता है, हाथ देख देख कर ये करता है, और चेहरा हो तो फिर तो कहना ही क्या, क्या प्लास्टिक सर्जरी कराता है। देखो सच बात है, ऐसा ही है, अनेकों लोग दिखते हैं ऐसे प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले, कराते हैं
वो चेहरे को दिखाने के लिए ये सारे ये फिल्म स्टार क्या करते हैं, सब ऐसे ही काम है सबके, ऊपर से सुंदर दिखाने के लिए, क्योंकि उनका तो काम ही यही है, प्रोफेशन ही यही है उनका, वो क्या करेगा। देखिए ये कह रहे हैं, शरीर से बाहर निकल आए तो इसके सुखानुभव करने की इच्छा तो दूर, अरे कितना उसका उसका सुख का अनुभव नहीं करेगा, वो तो बहुत दूर है, कोई इसे देखेगा भी नहीं। लो, कोई माने कौन, हम स्वयं, माने इसकी अशुचिता और अपवित्रता हम देखना भी पसंद नहीं करेंगे। देखिए, हे आत्मन, यदि दैवी योग से शरीर का भीतरी भाग बाहर निकल आए, शरीर का भीतर का हिस्सा इनसाइड आउट ऐसा, अंदर जो तो बिल्कुल उल्टा हो गया, अंदर वाला बाहर आ गया, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, तो इस शरीर को भोगने की इच्छा तो दूर, देखना ही पसंद नहीं करेगा। अब ये इस शरीर को भोगने की इच्छा तो दूर, अभी इस शरीर को भोगने की इच्छा में जो अन्य के शरीर को भोगने की इच्छा रखता है ना, स्त्री भोग आदि की जो इच्छा रखता है या पुरुष के साथ में भोग की जो इच्छाएं हैं, अभी कह रहे अपना शरीर नहीं, सामने वाले के शरीर में अंदर की चीज बाहर दिख रही है, बोलो अब आपकी कितनी इच्छा होती है, बाहरी सुंदरता को देख करके आकर्षित होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर या सम जगत में और ना ही घिन गेह, जैसा ये भीतर है उसके समान घृणा करने वाला पूरे जगत में, सब जगत देखियो चांद, आप चिराग लेकर के पूरे दुनिया में ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको जितनी गंदगी वस्तुएं गंदी वस्तुएं मिलेगी, उन सबको गंदी बनाने में यदि किसी का योगदान है तो वो शरीर का है, वो शरीर के भीतर से भी, कहीं मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कहीं विष्ठा पड़ी हुई है, कहीं खून है, बोलो क्या, ये जो आपको पी बवाद वोमिटिंग है, ये जो कहीं रोड पर आपको यदि कहीं दिखाई देवे, ये इससे ज्यादा दुर्गंधित कोई दिखती है कोई चीज खराब वस्तु जगत में, जितनी मलिन से मलिन वस्तुएं दुनिया भर में दिखती है उनकी दशा किसने बिगाड़ी, कि शरीर ने उनकी दशा को बिगाड़ा है, ये बात ही यहाँ कह रहे हैं कि उससे भोगने की इच्छा सुखानुभव की इच्छा तो बहुत दूर की बात रहे, इस शरीर को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, हम ही देखना पसंद नहीं करेंगे, अपनों को देखना पसंद नहीं करेंगे, हाँ हेलो, खुद के शरीर में रहता है, पत्नी के शरीर में रहता है, हस्बैंड के शरीर में रहता है, बच्चों के शरीर में, मेरा बेटा कितना सुंदर है, मेरा प्यारा बेटा कितना सुंदर, तू देखना पसंद नहीं करे, वो वॉमिटिंग में भरा हुआ हो, लिपटा हुआ हो, तो तू कहे कि अरे इसको साफ करो पहले, दूर दूर हटाओ इसको यहाँ से, अब बोलो क्या हुआ, ये क्या हो गया। फिर देखो अंतिम लाइन, ऐसे शरीर को देखते ही सभी को अत्यंत घृणा उत्पन्न होती है। देखिए आप ऐसे शरीर को देखकर जब सारे जगत को घृणा उत्पन्न होती हो, तब भी ज्ञानी धर्मात्मा व्यक्ति निर्विचिकित्सा अंग का धारी उसमें रंच मात्र भी घृणा नहीं करता, वो वस्तु स्वरूप को जानता है, वो किंचित मात्र भी घृणा नहीं करता, वस्तु स्वरूप को जानने वाला वो कहता है कि यार ये कोई घृणा करने लायक नहीं है, आज बदसूरत दिखाई दे रहा है कल सुंदर भी दिखाई देगा, सुंदर दिखाई दे रहा है बदसूरत भी दिखाई देगा, अभी नहाया हुआ दिखाई दे रहा है बिना नहाया दिखेगा तो बदसूरत दिखाई देता है, नहा धो करके थोड़ा चमकदार दिखाई देता है, फ्रेशनेस से दिखती है, लेकिन इस शरीर में कुछ दम नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के 8 अंग कहे हैं, 8 अंग हैं उनके सम्यक दृष्टियों के, जिनमें निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, साथ देखो याद है क्या चीज, बोलो आप प्रसिद्ध लोग भी याद है, किसमें कौन प्रसिद्ध हुआ, निर्विचिकित्सा में कौन प्रसिद्ध हुआ, राजा उदयन, घृणा घृणा नहीं होवे,
दौलत राम जी शेरा वाला में कह रहे हैं, मुनि तन मलिन ने देख घिनावे, मुने राजियों के मलिन शरीर को देखकर घृणा नहीं करे। इधर मुने राजियों की बात क्यों करी, इसलिए कि अस्नान मूल गुण के दारी है ना, जीवन भर नहीं नहाने की प्रतिज्ञा ली है ना उन्होंने, तो उनके उस शरीर को देखकर मलिन भी हो जावे, पसीने आदि से धूल मिट्टी आदि से मलिनता हो जाए, गंदा शरीर दिखाई देवे, तो भी उसे देख करके रंच मात्र भी घृणा का भाव ज्ञानियों को नहीं आता, क्योंकि वे पैकिंग से नहीं देखते हैं। अंदर में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो वितराग परिणति वर्तती है, कीमत उसकी है, वो बहुमूल्य है। चक्रवर्ती जैसे सम्राट, सौधर्म इंद्र जैसे जीव, वे आकर के अपना मुकुट रखते हैं, उनके चरणों में आकर के पढ़ते हैं, किसकी कीमत है, वीतरागता की कीमत है। वीतरागी है देव हमारे, वीतरागी है गुरु हमारे, ये वीतरागी दर्शन है, ये वीतरागियों का मार्ग है, ये देखने का दृष्टिकोण दिखा रहे हैं यहां। तो क्या क्या बातें कह दी 51 नंबर के श्लोक में, तो कही थी कारीगर नंबर ये है, ये चतुर नाम कर्म वाला चतुर कारीगर है, जिसने तुम्हारी विकृतियों को छिपा लिया, ठीक है, और अंदर में हड्डी खून मांस मज्जा के अलावा कुछ नहीं है। और 52 नंबर के श्लोक में जो अभी हमने बात पढ़ी, इसने कहा कदाचित उस नाम कर्म वाले कारीगर के द्वारा छिपा लेने पर भी देव योग से ऐसा हो सकता है कि इनसाइड आउट आ जाए, अंदर का बाहर हो जाए, उल्टा हो जाए। एक्सरे की बात कही मैंने, फोटो टाक करके रखना एक्सरे की, मेरा ही फोटो है, नाम और लिखना नीचे, और नीचे नाम और लिखना पता क्या लगेगा किसका है भाई। हम तो ये कह रहे हैं ना, तो ये नाम कर्म वाला ये ऊपर से खिंचने वाली फोटो भी तुम्हारी नहीं है, और अंदर का एक्सरे भी तुम्हारा नहीं है, और सोनोग्राफी करने पर जो अंदर से निकल करके आए वो भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि ये सब तो सुंदरता और मलिनता और मलिनता सुंदरता और न मालूम क्या दिखता है, इन सब के भीतर एक नहीं दिखने वाला तत्व है, जिसकी फोटो बाहरी मशीनों से नहीं खींचती, जिसकी फोटो एकमात्र ज्ञान नेत्र से खींची जाती है, वो मैं तत्व हूं। उन ज्ञान नेत्र से देखो, जो कैमरे की पकड़ में नहीं आएगा, जो एक्सरे की पकड़ में नहीं आएगा, जो सोनोग्राफी मशीन की पकड़ में नहीं आएगा, जो एकमात्र ज्ञान नेत्र की पकड़ में आएगा, वो मेरा स्वरूप है। जिसने अपने उस असली स्वरूप को देख लिया, वे ऊपर से देख करके घृणा नहीं करते। मूंगफली हो ना, मूंगफली ऊपर से छिलका यदि खराब दिख रहा हो उसका, तो आप कहते हो नहीं नहीं छिलका खराब है, खोल के देख अंदर से मूंगफली सही है। क्या सही भी निकलती है, ये क्या कहता है ऊपर का छिलका गंदा हो रहा है, गंदे गंदे देखो, ये जब मूंगफलियां जमीन में उगती है, खेत में जमीन में उगती है, जमीन में से निकलती है, और निकल करके आने के बाद मिट्टी मिट्टी हो रही है। किसी बच्चे से कहा कि बेटा मूंगफली खा ले, और उसने हाथ लगाया मिट्टी आए छी क्या ये गंदी। फिर उसको समझाते हैं कि भाई ये जो छिलका है ये गंदा है, इस छिलके के अंदर मिठास वाला एक परम पवित्र पदार्थ वो अंदर मौजूद है। क्या तू छिलके को मत देख, तू अंदर के माल को देख, उसी को चक्के देख, क्या उसे चक्कर के देख। तो ये ऊपर के छिलके से दृष्टि हटाकर अंदर के माल को देखने की प्रेरणा ये यहां दे रहे हैं। ये 52 नंबर के श्लोक के सरल अर्थ में देखो क्या कहा, वापस पढ़ें। हे आत्मन, यदि देव योग से शरीर का भीतरी भाग बाहर निकल आए, हड्डी निकल गई किसी की, अंदर का खून बाहर झलकने लगा, अंदर की स्थिति बाहर दिखने लगी, तो क्या होगा, तो इस शरीर को भोगने की इच्छा तो दूर, कोई इस शरीर को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। किसी और के अच्छा अपने शरीर की तो हालत ऐसी है, कामदेव का शरीर हो तो है, कामदेव का शरीर है साहब, क्या बात कर रहे हो आप, कामदेव के तो हड्डियां निकल जाने, कामदेव की डेड बॉडी जो है ना बहुत अच्छी है,
ऊपर से अच्छा दिखता है वो भी, अंदर उसके भी वही भरा हुआ है, मन भरा हुआ है। भोगने की इच्छा तो दूर, कोई शरीर को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे शरीर को देखते ही सभी को अत्यंत घृणा उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं, 53-54 पूरा करें। एवं पिशित पिंडस्य शयिनोऽयं कृतः गात्रस्यात्मन् विषयात् पूर्वं तत्फलं प्राप्य यस्यति। इस प्रकार हे आत्मन, नाश को प्राप्त होने वाले किंतु अविनाशी सुख के कारणभूत इस मांस के पिंड रूप शरीर के नाश होने से पहले इससे मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करके इसको छोड़ दे। वाह, कितने बढ़िया। शरीर को जो नीति कारण ने जो बात कही है, शरीर माध्यम खल धर्म साधन है। शरीर पहले और यह वास्तव में धर्म साधन का हेतु है। यह बात जैनियों की नहीं, नीतिकारों की है, नीतियों में लिखी है, अन्य मतावलंबियों में लिखी है, हिंदुओं ने लिखी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम तो ये कहते हैं शरीर कैसा भी हो से क्या फर्क पड़ता है, तन रहे तो रहे, तन ना रहे तो नहीं रहे। हम तो वेद विज्ञान की बात कहते हैं, वो कहते नहीं शरीर माध्यम। तो ये मोटा मोटा कह रहे हैं ये कि शरीर है तो जब तक तुझे निर्वाण की प्राप्ति ना होवे, जब तक तेरे जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट न होवे, तब तक तू अपने शरीर के माध्यम से ये मोक्ष मार्ग को जानने समझने और उसमें कदम बढ़ाने का प्रयास कर ले। और फिर जैसे ही उसकी उपलब्धि हो जाए तो तू शरीर को छोड़ देना और परम मुक्ति की प्राप्ति कर लेना। कह रहे इस प्रकार हे आत्मन, नाश को प्राप्त होने वाले, जिससे नाश होगा उसे प्राप्त होने वाले, लेकिन अविनाशी, नाश को प्राप्त होने वाले कौन, वो तो है शरीर, और अविनाशी सुख का कारणभूत है वो शरीर। इस मांस के पिंड रूप शरीर के नाश होने से पहले इससे मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करके इसे छोड़ दे। यद्यपि मांस के पिंड रूप यह मनुष्य शरीर नश्वर है, तथापि मोक्ष प्राप्ति में निमित्त कारण है। यद्यपि ये शरीर नश्वर है, यद्यपि ये शरीर नाश होने वाला है, लेकिन निमित्त कारण है वैसा मोक्ष की प्राप्ति में। कोई कहे साहब सर्वथा भिन्न यदि है तो क्या फर्क पड़ता है शरीर पे कपड़े रहे चाहे नहीं रहे, मोक्ष हो जाएगा? कि नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। शरीर से कपड़े उतरेंगे ही उतरेंगे क्या, और नग्न दिगंबर दशा होगी ही होगी। क्या रे साहब, ये तो परद्रव्य है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो परद्रव्य है ना, कपड़े तो परद्रव्य है, तू क्यों ऐसी बात करता है? अरे नहीं भाई, भले ही परद्रव्य हो लेकिन समस्या परद्रव्य में नहीं है, समस्या इस परद्रव्य के प्रति तेरे को जो पहनने का राग है ना। ये कपड़े है ना, कपड़े ये बटन बंद करने की चेष्टा, ये राग के बिना नहीं हो सकती। ये राग भाव है, इतना राग टूटे तो काम हो। तो ये कह रहे हैं अतएव हे आत्मन, इस मनुष्य शरीर के नाश होने के पहले ही मोक्ष सुख रूप फल प्राप्त कर लो और तत्पश्चात इस शरीर को छोड़ दो, शरीर को छोड़ दो। और ये कह रहा है अभी इसने कहा ना शरीर को छोड़ दो, तो ये सोचता है कि शरीर को नहीं छोड़ो, ये ढंग से पढ़ नहीं पाया इसको। यहां तो कह रहे हैं शरीर को छोड़ दो, और ये कहता है कि शरीर को कैसे छोड़ दूं मैं, ये शरीर के पीछे पड़ा रहता है। सुबह उठने से लेकर के शरीर के पीछे ही है सारे गाजे बाजे। बोलो, ये कहता है साहब शरीर ही साथ नहीं देगा फिर पैसे को क्या चाटेंगे, क्या क्या करेंगे बताओ? शरीर ही साथ नहीं देगा, मैं क्या करूं इस पैसे का, मैं क्या करूं इस धन का, मैं इस संपत्ति का क्या करूं मैं? शरीर ही साथ नहीं दे रहा साहब, घुटने ही इतना तेज दर्द कर रहे हैं, गाड़ी का क्या करूं मैं, चलना तो मुझे ही पड़ेगा।
अब ये कितने डोसे बना ले मुंह में दांत ही नहीं हो तो क्या करूं। कुछ कुछ काम नहीं, भिगो भिगो करके खाए या, और आते काम नहीं करे तो क्या करे, बोलो। डॉक्टर यदि जवाब दे दे वे कि खाना पीना बंद है, ऐसे ऐसे रोग आकर के घेर लेते हैं भाई साहब, पेट में अल्सर हो जाते हैं। अभी हमारे हो गया है, हमारे परिचित उनके पेट में अल्सर हो गया, नहीं अल्सर तो हो गया, दर्द बहुत होता था कुछ भी खाते ही, कुछ डॉक्टर ने कुछ उपचार किया तो अंदर जो आते हैं इंटेस्टाइन वो फट गई अंदर से, और वो फट गई तो वो जब लेटरिन जाने के लिए बैठे तो नदियां बहे खून की, एक गांस खाते ही खून ही खून बहे, खून खून ही खून बहे, पायलट जैसा नहीं, माने वो तो हालत ऐसी कि आप सोच नहीं सकते हो। और डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि इनका कुछ लंबे समय के लिए खाना पीना सब कुछ परमानेंट बंद कर दिया जाए। क्या ड्रिप चढ़ेगा सौ क्या खाली ड्रिप? अब बोलो कैसी स्थिति लगती है आपको? लगता है कुछ दिमाग काम करता है? अब बना लो डोसे और करो तुम क्या क्या करने है तुम्हारे को, पैसे को भी काम में ले लो, कुछ भी नहीं है, पैसा तो ड्रिप लगाने में काम आएगा, बोतल चढ़ाने में काम आएगा, पैसा कुछ काम नहीं आने वाला है, कुछ काम नहीं आने वाला है। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता, इस चेतन का नाता ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है हमारा, अत्यंत अशुचि और अपवित्र तन और श्रृंगार किए जा रहा है, और महंगा जीवन बहुमूल्य जीवन के दुर्लभ क्षण ये बर्बाद किए जा रहा है हर पल। कल सुनाया था ना जैसा, पल पल जीवन जलता जाता है, बीता कल नहीं वापस आता है, फिर भी तू समझे ना, समझता ही नहीं है, कितना भी समझा लो लेकिन समझ में नहीं आ रही है इसको बात। हर पल मौत तो नजदीक आ रही है, जीवन खत्म होता चला जा रहा है, ये देह अत्यंत अशुचि है और श्रृंगार में लगाए दांत मांजने से लेकर के चेहरे को चमकाने तक, और ऊपर तेल मालिश और सब ऊपर क्रीम पाउडर लिपस्टिक और सब लगा लगा करके ऐसा लगता है कि अब तो देखो, अब बताओ मैं कैसा दिखता हूँ, अब बताओ मैं कैसा दिखता हूँ। याद करो सनत कुमार चक्रवर्ती को, सनत कुमार चक्रवर्ती की घटना दीपेश जी सुनी होगी, चक्रवर्ती सम्राट उसके देव लोग आ गए चर्चा करने के लिए, मेरे जी साहब देव लोग आते हैं ऊपर से, और कितना सुंदर शरीर है साहब, मनुष्यों में ऐसा सुंदर शरीर, और चर्चा करने के लिए देखने के लिए रूप सौंदर्य को देखने के लिए। फिर क्या हुआ, व्यायामशाला में थे, धूल मिट्टी में थे, और देवों ने वहां सामने प्रकट होकर के कहा कि सच में जैसा सुंदर रूप जिसकी चर्चा हमने ऊपर देवों में सुनी थी, चर्चा की थी, ये असली में रूप तुम्हारा उससे भी ज्यादा सुंदर है। तो पता है सनत कुमार ने क्या कहा, अरे यार क्या देखते हो, क्या धूल मिट्टी में, अभी तो जब नहा धोकर के सज धज कर ऊपर से सारा सब लगाकर जब जाकर के बैठूंगा सिंहासन पर, तब देखना तुम, तब भी देखना क्या अहंकार आ क्या गया जी, वो तो बात तो अंदर की है, दिखती नहीं है, वही जो इनसाइड आउट वाली जो बात यहाँ कही ना, अंदर का बाहर आ जाए, ये अंदर का अंदर ही है अभी तो, और वो जाकर के बैठा और आईना देख करके आया है, और बहुत सुंदर दिख रहा हूं अब तो मैं, जच रहा हूं, शाम से आकर के बैठा है, और गद्दी पर आकर के बैठने पर अब बोलता है उनसे, बोलो भाई अब बताओ अब कैसा लगता हूँ, कि महाराज अब वो बात नहीं है, अब वो बात नहीं है, क्या बात कर रहे हो, अब वो बात नहीं है, क्या कमी रह गई है, मैं तो अच्छे से देख करके आया था आईने में, अब क्या कमी रह गई, कि महाराज जो आपको आईने में दिख रहा है वो सच्चा नहीं है, और जिसे हम अपने दिव्य चक्षुओं से देख पा रहे हैं उसे आईना दिखाने में समर्थ नहीं है,
ये आईना दिखा नहीं सकता है। आप तो देखो चार पांच दिन एक वीक के अंदर 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 का माल जब बाहर आएगा तो आपको पता लगेगा, अरे वो अत्यंत सुंदर शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया, पूरे रोम रोम में कोढ़ झड़ने लगा, दुर्गंधित और ऐसा मलिन अपने शरीर को देख नहीं सके। वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली उन्होंने बाद में, बोलो वैराग्य का निमित्त बन गया। 700 वर्षों तक रहे, वादी राज की भी आती है, वादी राज मनीराज की चर्चा भी आती है, बोलो इतने इतने लंबे समय तक ये क्या हालत है शरीर की। अब ये कह रहा है श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन, ये महंगे कपड़े हैं क्या कर रहे हैं भाई, गंदे हाथ मत लगा, कितने महंगे कपड़े हैं, अभी तो ट्रैकिंग होकर के आया है, फटे हुए कपड़े भी महंगे होते हैं सच में, हालत ऐसी है। और इतना फटे फटे जींस वगैरह ऐसी चल रही है, पता नहीं क्या कैसी दरिद्रता आ गई है, सारा भिखारीपन ना समझ, लोग कोई देखने वाले देखे तो ऐसे लगे कि ये भिखारी है, फैशन है, फैशन ये फैशन है, और ऐसा ऐसा फाड़ फाड़ करके पहन रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है उनके अभाग्य की, उनकी किस्मत में पूरे कपड़े पहनना भी नहीं है, बुद्धि फट गई है, बुद्धि फिर गई है, बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है। नहीं, बड़े बड़े लोग पहन रहे हैं, बड़े बड़े लोग पहन रहे हैं, मैं सच्ची घटना बतला रहा हूँ। एक व्यक्ति आए मेरे पास में, कहीं बाहर रहते थे विदेश में, और इनके कुछ परिचित थे, अपने हरीश जी ढोलिया है ना, इनके कुछ परिचित थे विदेश में, कहीं रहते थे, और वो कहीं सुनते थे मेरे को, कहीं सुना होगा उन्होंने चर्चा, तो उनसे पूछते हुए चर्चा करने के लिए मेरे घर पर आए। लेकिन ये बात तो कई सालों पुरानी हो गई, तो आए वो आकर के बैठे वो, अब उनकी जींस विंस फटी हुई, तो आप मानेंगे नहीं, मैंने उनसे सच में पूछ लिया है कि मैंने कहा क्या हुआ, कहीं गिर गए क्या कुछ सच्ची घटना है, जर्मनी सामने विराजमान है क्या कुछ मायने सपने में भी नहीं सोच सकता था मैं कि ये कैसे हो गए, और बहुत संपन्न व्यक्ति विदेश में रहने वाले बाहर से आए हुए मिलने के लिए, मैंने उनसे पूछ लिया तो बोलते इतने शर्मसार हो गए, उन्होंने कहा नहीं 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 छिपा हाथ लगा लिया नहीं है, तो ऐसा ही है, ऐसी है उस तरह की, जाने क्या बात है, क्या क्या क्यों क्यों छिपा है बता दिए, फिर बाद में फिर चार छः महीने बाद आठ महीने बाद में फिर वो जगह, फिर वो लोगों से पता लगा कि भाई ये फैशन में चल रहा है, मैंने कहा यार ये कैसा फैशन, बदला हुआ चीज, फटे फटे हुए पहनने का फैशन दिखाई देता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, सुन भाई, जिसका तू श्रृंगार कर रहा है, जिसे तू सजाने की चेष्टा कर रहा है, ये इसकी हालत खराब है अंदर से, महंगा है तेरा जीवन, दुर्लभ है तेरा जीवन, तू कपड़ों को महंगा कह रहा है, तुझे अपना जीवन महंगा नजर नहीं आ रहा है, तुझे बाहरी प्रोडक्ट महंगे दिखाई दे रहे हैं, तुझे अंदर अपने जीवन की कीमत समझ में नहीं आ रही है, परफ्यूम लगाता है परफ्यूम, बोलो ये बता रहे थे भैया मेरे को अभी दो तीन दिन पहले, ये कह रहे थे कि जितने परफ्यूम आते हैं ना, इन सारे परफ्यूम में इनकी ड्यूरेबिलिटी के लिए, इनको स्थिर रखने के लिए, इनमें वेल मछली की उल्टी वो उसमें मिलाते हैं, मछली है अलग तरह की वेल मछली, उस मछली की वॉमिटिंग, और वो बहुत महंगी बिकती है, बहुत कीमती होती है, लाखों करोड़ों रुपया उसकी कीमत होती है, वो वॉमिटिंग यदि किसी को मिल जाए ना तो वो करोड़पति हो जाए। और वो अभी नहीं, अभी किसी समुद्र किनारे पर किसी को वॉमिटिंग मिल गई, मछुआरा था कोई, और उसको वॉमिटिंग मिल गई तो वो करोड़ों रुपया उसकी कीमत थी, वो रातों रात करोड़पति हो गया, ऐसा है। अब वो जो वॉमिटिंग है उसकी, उस वॉमिटिंग को सब वो करके, उसको केमिकल से और सब करके, और वो उसमें मिलाया जाता है और उसे लगा करके यहाँ आता है मंदिर में। छूने योग्य चीज नहीं है वो, टच करने, सारे जितने महंगे महंगे आपको सब दिखाई दे रहे हैं, सारे प्रोडक्ट की ये हालत है, और आप यदि उसको बुरा कह दो ना तो वो कहता है कि नहीं नहीं बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, महंगी चीज अच्छी होती है, महंगी चीज अच्छी होती है, लेकिन तू कितना महंगा है इसकी पता है क्या तुझे, खबर
ये जीवन कितना महंगा है इसकी वैल्यू पता है क्या तुम्हारे को? इसलिए वापस ये दो पंक्तियां बोलते, देखो खत्म करें चर्चा को। क्या कहा? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि, अशुचि अपवित्र, कितना अपवित्र, अत्यंत अपवित्र, अत्यंत अशुचि और जड़ काया से मुझे चेतन का कैसा नाता। बोलो, इस चेतन का कैसा नाता, मुझे चेतन का कैसा नाता। मेरा भाई, इस देह से रंच मात्र भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जब अपवित्रता के बारे में विचार करें, जब इसकी अशुचिता के बारे में विचार करें, तो देह के प्रति अपनापन टूटे बिना न रहे। ये सारी चर्चा देह के प्रति अपनापन तोड़ा देने के लिए है। इस चर्चा का एकमात्र सार इतना ही है कि जैसे भी बन सके शरीर के प्रति अपनापन तोड़ो। शरीर के प्रति अपनापन यह अनंत दुखों को जन्म देने वाला है। इस शरीर के प्रति अपनेपन से अनंत संसार खड़ा हो जाता है। इसलिए देह के प्रति नेह को छोड़कर, तन के प्रति तन्मयता का त्याग कर, हम जो शाश्वत तत्व अंदर में विराजमान है उसका अवलंबन लेवे, तभी ये अशुचि भावना सच्ची भावना कहलाएगी। ये चिंतन में चलना चाहिए। आईने के सामने लिखी रहनी चाहिए लाइने, आईने के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में क्या क्या, ये जो लाइन लिखी है ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, ये लाइन आईने पर लिखी रहे। जब जब जाकर के देखने के लिए खड़ा होवे तो फील करे, अरे कहाँ करके खड़ा हो गया। एक वो आईना है जो पिक्चर दिखा रहा है हमारी ये बाहर से, और एक ये जिनवाणी है जो हमारी पिक्चर दिखा रही है अंदर से। अंदर से पिक्चर देखो, अंदर की बात देखो, ऊपर आकर्षित मत हो। तो इस तरह है, देह के प्रति अपनापन तोड़कर, अपने में अपनापन करके हम परम मुक्ति की प्राप्ति करें। इस भावना से बात को विराम देता हूँ। एक श्लोक और बच गया है इसका, कल करेंगे। सुंदर चर्चा है, कुछ वैराग्य में चर्चा है, तो कल ही बात करेंगे। छोड़ने का उपाय भी बताना पड़ेगा। हाँ जरूर बताएंगे।